स्वस्थ होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और आज का एक बहुत ही अच्छा शुभ दिन है, गणेश चतुर्थी है आज, तो चलिए आज देखते हैं क्या है नया ब्लॉग में, कैसी है दिन की शुरुआत हमारी। तो आइए, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, सुबेरे के 5:30 बज चुके हैं, इतनी प्यारी सुबह है, बहुत ही प्यारा मौसम है और बारिश जैसा मौसम बना हुआ है, लेकिन बारिश होने की संभावना भी है, लेकिन बारिश होगी नहीं, ये तो पता है बारिश नहीं होने वाली है। तो चलिए इसी के साथ एक पॉजिटिव थॉट, एक अच्छा सा मोटिवेशन थॉट हो जाए जिससे हमारा पूरा दिन एनर्जिक बना रहे। तो ना जाने हम सभी ये हमेशा क्यों सोचते रहते हैं कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा है या दूसरा हमारे बारे में क्या सोचेगा। हम सभी ये वेट करते हैं, वेट हमेशा करते रहते हैं कि कोई दूसरा हमारे बारे में कुछ कहे, दूसरा हमें कुछ सजेस्ट कर दे कि हम कैसे लग रहे हैं, हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। उससे हम ज़्यादा संतुष्टि हमको उससे मिलती है, बजाय इसके कि हमारी खुद की सोच हमारे खुद के लिए क्या है। हम दूसरों के ऊपर ज़्यादा विश्वास करते हैं कि उनकी सोच हमारे लिए क्या है, लेकिन ऐसा करते हुए हम ये भूल जाते हैं कि हमसे बेहतर हमें और कोई नहीं जानता। हम जितना अपने आप को जानते हैं उतना हम दूसरे नहीं जानते, इसलिए कभी भी दूसरों से उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो हमें परिभाषित करें। हमें खुद अपने आप को परिभाषित करना चाहिए, क्योंकि हमें हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो चलिए इतने अच्छे थॉट के साथ, इतने पॉजिटिव थॉट के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो इधर मैंने सारी ही डस्टिंग कर ली है और थोड़ी बाहर की बाकी रह गई है, वो भी हम अभी कर लेंगे, क्योंकि मेरी रोज़ डेली का रूटीन यही है। मैं मॉर्निंग में, क्योंकि रात भर में हमारा घर थोड़ा सीमेंट वाला है तो सारी सीमेंट झड़ जाती है दीवालों पर से, तो वो तख्तों पे, तख्त पे या जो भी लकड़ी का सामान मेरे पास रखा हुआ है उन सब पे गिर जाती है, तो काफ़ी खिसखिसाहट सी होती है, तो ये काफ़ी बेकार लगता है। और कोई भी सामान हम उसमें, उसके ऊपर जब रखते हैं तो वो सारी बालू धूल उसमें चिपक जाती है। तो मेरा रोज़ लेकर रूटीन है कि मैं उसको कपड़ा लेके डस्टिंग उसको साफ़ करती हूँ। उसके बाद मैंने चौका लगाया, एक मग्गे में पानी लिया, मैंने चौका लगाया, क्योंकि आजकल गांव से देहातों में भी ऐसा हो गया है कि साफ मिट्टी नहीं मिलती है, और जिसके जिसको मिल भी रही है तो कोई जाने वाला नहीं है। जैसे अगर हमको अगर मिल भी जाएगी, हम जाना चाहें तो मिल जाएगी, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई जाने वाला नहीं है। मैं नहीं जाती हूँ, मेरे 2 देवर हैं वो भी नहीं जाते हैं, अम्मा जी को हम कह नहीं सकते क्योंकि उनकी उम्र नहीं है जाने लायक, वो मिट्टी लेके आए ताल में से ढोक के या उठा के। तो इधर मेरा काम ख़त्म हो गया था, चौका लगाने वाला भी। उसके बाद मेरा बेटा उठ चुका था, वो अपनी बुक मांग रहा था कि मामा मुझे अपनी बुक दे दो, मैं पढ़ूंगा थोड़ा। तो मैंने उसको उसकी बुक दी। उसके बाद मैं सारे बर्तन इकट्ठा करने के लिए चली गई, क्योंकि सब रात में खाना खा के सब तख्त के नीचे, खटे के नीचे रख देते हैं, तो मैंने सारे बर्तन इकट्ठा किए। इधर मेरा छोटा वाला बेटा गैया को खिला रहा है, उसको उससे खेल रहा था, छोटी वाली गैया को, उसका नाम राधा रखा गया। इधर मैंने फटाफट अपने बर्तन मांजे। और आप लोग से एक बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, किस किस को कभी कभार काम करते हुए या कुछ भी करते हुए अपने मैके की याद आती है। मुझे तो बहुत याद आती है, क्योंकि कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि जब हम काम करते हैं, हम इतनी सारी जिम्मेदारियाँ, ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को नहीं देखते कि हम काम कर रहे हैं या हम कितने बिजी हैं, कोई दूसरे की जज करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम खुद जान रहे हैं कि हम कितना काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम इतना काम करते हुए अपने आप को देखते हैं तो हमें अपने मायके की याद आती है। कि देखिए, एक दिन वो भी होता है कि जब लड़की अपने मायके में होती है, जब उसकी शादी नहीं होती, कुंवारी होती है, तो वो कितनी आराम से सोती है या उठती है, बनाना ना कोई टेंशन, मम्मा है, मम्मी है, माता जी हैं, कर लेंगी। तब थोड़ा हम किसी न किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं, आश्रित रहते हैं। लेकिन जहाँ लड़कियों की शादी हो जाती है, वहाँ सब अपने घर की जिम्मेदारियों को उठाने लायक हो जाती हैं, चाहे आज करें, चाहे कल करें, चाहे देर से करें, चाहे जल्दी करें, लेकिन करना उन्हीं को रहता है। तो वैसे ही मेरे घर में भी कुछ है, मेरी अम्मा जी हैं, मेरी सासू माँ हैं, वो मुझे कभी भी किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं करती हैं। मैं चाहे देर से करूं, चाहे कैसे भी करूं, वो बहुत संतोषी हैं, बहुत अच्छी हैं। और ख़ास करके आपको एक राज के बारे में बताऊँ, मुझे अपने घर की याद भी ज़्यादा नहीं आती, क्योंकि मेरी मम्मी है नहीं। मेरी मम्मी, हम लोग छोटे थे तभी एक्सपायर हो गई थी। तो जब मुझे वहाँ पे उतना माँ का प्यार मुझे पिताजी ने मेरे बहुत दिया,
लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि माँ माँ ही होती है। तो जब मैं यहाँ पे आई अपने ससुराल में शादी करके, तो मुझे यहाँ पे अपना अपनी माँ की कमी बिल्कुल महसूस नहीं हुई। कुछ दिन थोड़ा अजीब सा लगता था, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छे से सबने मुझे संभाला, सबने मुझे, कोई भी गलती होती थी तो मेरी माँ जी कभी मेरे को डांटती नहीं थी, बहुत प्यार से समझाती थी और अभी भी समझाती हैं। तो इस तरह से जब तालमेल एक तरह से बैठा रहता है ना, तो हम बहुत अच्छे से घर मैनेज कर लेते हैं। तरह से हमारी माँ है वैसे, जिसके घर आए हैं हम, जिससे हमने शादी की है, जिसके साथ हमारा रिश्ता लगा है, जहाँ हमें अपनी पूरी ज़िंदगी बितानी है, वो भी हमारी माँ है। और अगर हम अगर ये सोच ले कि अगर ज़िंदगी भर अगर चलेंगे तो कभी भी हम सासू माँ नहीं कहेंगे, उनको अपनी माँ जी ही कहेंगे, उनके डांटने पर कभी गुस्सा नहीं होंगे, यही सोचेंगे कि चलिए हमारी माँ है, जैसे वो हमको डांटती थी वैसे हम भी डांट रहे, वो भी डांट रही हैं, वो भी समझा रही हैं, तो उनकी डांट भी एक आशीर्वाद के बराबर ही है। हमारी कढ़ाई मैंने सब्जी बनाने के लिए मैंने चढ़ा दी थी, आज मैंने किराव कहा जाता है, जैसे हरे मटर का सुखा दो तो वो पीला वाला वटाना हो जाता है, और मतलब किराए, तो मैंने किराव की सब्जी बनाई थी आज रात को ही, मैंने भिगा दिए थे क्योंकि काफ़ी दिन से वही हरी सब्जी बच्चे खा रहे थे, तो उनको नहीं कुछ खाने का मन कर रहा था, तो उन्होंने कहा डिफरेंट मम्मी कुछ अलग बनाइए, तो मैंने कहा ठीक है, तो रात में मैंने थोड़ा भिगा दिया था। उसके बाद मैंने मसाला डाल दिया है उसमें, सब कुछ लाल मिर्च, धनिया, हल्दी पाउडर, टमाटर, प्याज, सब कुछ मैंने डाल दिया है, मसाला पक रहा है, इधर मैंने बच्चों के लिए थोड़ा आटा लगा लिया है, और इस टाइम सब्जी रोटी बना लो तो दिन भर के लिए फुर्सत हो जाती है, तो इसीलिए मैं पूरा आटा एक साथ लगा लेती हूँ, लेकिन बच्चों को पहले बना के दे देती हूँ, उसके बाद मैं सबके लिए रोटियाँ सेकती हूँ। तो इधर मैंने कटे हुए आलू डाल दिए हैं, अब इनको मिलाते हुए एक बार ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, अगर आपके पास अगर ना भी हो तो भी दुकान पे अवेलेबल रहता है, वटाना या किराव बोलेंगे तो मिल जाता है, इसकी सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, और उत्तर प्रदेश में तो ये फुल्की में या गोलगप्पे में भर के भी दिया जाता है, खाने में इसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद मैंने तीन चार रोटी का वो किया, लोई लगा ली थी, मैंने फटाफट पराठे सेके और बच्चों को अपने दिया मैंने, क्योंकि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा भूख लगती है, बच्चे कभी कभी रात में खाते हैं, नहीं खाते हैं, सो भी जाते हैं, जगाने पे भी बच्चों को जब नींद आती तो बच्चे नहीं उठते, तो मैंने उनको दिया फटाफट बना के। बच्चों ने मेरे, जैसे कि एक तो है नहीं, मेरे तीन बच्चे हैं, तो इसलिए जब तीन पराठे बनाती हूँ तो तीनों के लिए एक एक पराठा हो पाता है, तो मुझे दो दो पराठों के हिसाब से भी, अगर बच्चे अगर खाते हैं, ज़्यादा तो खाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी दो पराठों के हिसाब से मुझे पांच छह पराठे सेकने पड़ते हैं, फिर तीन चार रोटी मुझे टिफ़न के लिए बनानी पड़ती है, उसके बाद ही फिर मैं बच्चों को ड्रेस व्रेस बनाने वाला काम कर पाती हूँ। तो इधर फटाफट से मैंने पराठा सेक लिया था और बच्चों को एक तरफ मैं नाश्ता दे रही थी खाने के लिए। अब इधर मैंने किराव डाल दिया है कढ़ाई में, उसको मैंने सवेरे बॉयल कर लिया था क्योंकि बॉयल करने से सब्ज़ी जल्दी बन जाती है, तो इधर मैंने अपने सारा काम निपटाने के बाद मैंने बॉयल करने के लिए चढ़ा दिया था, तो मिला के मसाला मैंने हल्का सा पानी डाल के उसको ढक दिया है। उसके बाद अपनी छोटी वाली बेटी के मैंने बाल बनाए, फिर बड़ी वाली बेटी के बाल बनाए, दोनों जन को यही मेरी थोड़ी समस्या रहती है कि उधर खाना बनाने के बाद मुझे दोनों बच्चों के अपने बाल बनाने पड़ते हैं, अभी छोटे हैं तो दिक्कत थोड़ी है, ड्रेस पहन लेते हैं, दोनों बेटियां मेरी ड्रेस पहन लेती हैं, लेकिन छोटा वाला बेटा नहीं पहन पाता, वो बदमाशी कर रहा है, इधर से उधर बिना कपड़ों के नहा के आया था, घूम रहा था, तो उसके बाद हमने इनको कपड़ा पहनाया, इनको तैयार किया, क्योंकि इनकी हर एक चीज़ करनी पड़ती है, अभी अभी अपने आप से कपड़ा वपड़ा भी नहीं पहन पाते हैं, तो उसके बाद मैंने इनको शूज़ पहनाए, और शूज़ पहनाने के बाद मैंने इन लोग का टिफ़िन मैंने पैक कर दिया था। तो बड़ी वाली बेटी मेरी थोड़ा रीडिंग कर रही थी अपना टेबल, उसको याद करने थे, आज टेस्ट था तो वो थोड़ा रीडिंग कर रही थी, और बाकी छोटे बच्चे वो बाहर निकल गए थे बैग लेके, क्योंकि उनकी गाड़ी आने वाली थी। तो इधर सबसे ज़्यादा बढ़िया ये है कि सब्जी के साथ कोई भी सब्जी रहे तो हमारे घर में तीखा ज़्यादा खाया जाता है, तो मैंने थोड़ी हरी मिर्च चीरा मार के मैंने नींबू डाल के फ्राई कर ली थी। उसके बाद मैं छत पे आ गई क्योंकि यहाँ पे खाट रखी हुई थी और बारिश जैसा मौसम बना हुआ था, तो मैंने खाट हटा के किनारे रखी कि अभी नीचे भैया को बोल दूंगी वो ले जाएंगे,
और इस साइड थोड़े से दो छोटे छोटे बांस थे उधर टीने के ऊपर रखे हुए थे, तो मैंने उनको हटा के किनारे किया क्योंकि रात को मेरी बेटी गिर गई थी उससे। तो उसके बाद मैं अपने रूम में आई तो मुझे थोड़ा सा हिसाब लिखना था, वो मुझे लिखना पसंद भी है तो मैं हर एक चीज़ नोट कर लेती हूँ अपनी डायरी में, तो मैंने वो लिखा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बाय बाय, नमस्ते, प्रणाम, राम राम, आज के लिए इतना ही।